Exercise 5.1, question 1. For which of this would you use a histogram to show the data? अब histogram और bar graph, इसमें difference क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है? अब histogram कैसा होता है? कि ये यहाँ पे एक age है और teachers, उसका graph दिया हुआ है कि जिन teachers की age 25 से 30 के बीच में होगी, ठीक है? उनका number है इतना 5. मतलब कि उसके बीच में कोई भी एज हो सकती है, 26, 27, 28, 29 वो भी हो सकती है. 25 से ज्यादा, 30 से कम, तो 5. यानी कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. फ्रीक्वेंसी यानी कि क्लास बन गए. अगर क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो हिस्टोग्राम यूज करते हैं. अब बार ग्राफ में कैसा होता है कि सपोज इस तरह से होता है, 20 की एज 21, 22, 23, 24. सपोज 21 की एज पे दो टीचर्स है तो दो पे, 22 पे एक है तो एक, 23 पे जीरो है, ठीक है? इस तरह से वो फॉर्म होता है, बार बनाते हैं. लेकिन यहां पे कैसा है, उससे डिफरेंट है. एक क्लास बना दिया 25 से 30, तो वो एक ही में काउंट हो गए. जैसे कि हम ग्रेड देते हैं स्कूल में कि 50 मार्क की एग्जाम है, अगर 45 से 50 आता है तो ए ग्रेड, उसके बाद बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, इस तरह से, ठीक है? तो ये ग्रेड मतलब क्या होगा, ये जो क्लास होगा इस, वो सब सेम आ जाएंगे. 46 और 49 वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से अगर क्लास बनाते हो हम, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा होता है, हम ऐसे क्लास में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? सेपरेटली बनाने जाए तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाए, बहुत लंबा हो जाए, इसलिए इजीएस के लिए हम ऐसे ग्रुप्स बना देते हैं ताकि समझने में भी आसानी रहे और बनाने में भी आसानी रहे. तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट, अब हिस्टोग्राम कब यूज करेंगे इन सब में से, वो मैं, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग. तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा कि ये एरिया, एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री, एरिया फोर, ठीक है? क्योंकि एरियाज डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसा कि पिन कोड डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ऐसा हम उसमें हम ग्रुप नहीं बनाएंगे. तो एरिया के इतने, ये एरिया के इतने, ठीक है? तो यहाँ पे हिस्टोग्राम यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्लास नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे नहीं. सेकंड, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट. अब जब एथलेटिक्स मीट होती है तो ठीक, तो उसमें कैसा होता है कि 5 फीट 6 फीट 7 फीट, ठीक है? तो उसमें से कहता था 5 से 6 फीट तो वो एक ही में आता है क्लास में, 6 से 7 तो वो भी एक में आता है, ठीक है? क्योंकि इस तरह से कॉम्पिटिशन होती है कि अंडर 19, तो उसमें कैसा होता है कि 15 से लेकर 90 ईयर्स के आ जाते हैं, ठीक है? फिर 19 से 23 यंग, इस तरह से एजेस के होते हैं. तो एथलेटिक्स में कैसा होता है कि क्लास लिया जाता है. तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, 5 से 6 फीट तो उसमें सब आ गए, तो यहाँ पे 5 और 6 के बीच में जो भी आते होंगे वो सब आ गए. फिर 6 से 7, ठीक है? तो यहाँ पे हिस्टोग्राम यूज होगा, नहीं तो हम स्मॉल स्मॉल दिखाएंगे, 5 फीट 1 इंच, ठीक है? तो वो बहुत लंबा ग्राफ हो जाएगा. उसके बाद द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज. तो 5 कंपनीज होगी, तो ये फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी, 3rd 4th एंड 5th. तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ नंबर से कि कितने कैसेट प्रोड्यूस किए, और सिर्फ 5 कंपनी है तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही डेटा आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हिस्टोग्राम की कोई रिक्वायर्ड नहीं है. लास्ट है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन, ठीक है? अब कितने पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन पे, मतलब ट्रेन स्टेशन पे कितने लोग आ रहे हैं, तो मतलब उसके लिए क्या होगा, 7 AM से 7 PM तो वो कितने हो गए, 12 आवर्स होंगे, ठीक है? तो अब उसमें ऐसा नहीं है कि हम ऐसा दिखाए हर एक सेकंड का हम बताए या हर एक मिनट का बताए, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एक आवर का इंटरवल बताएंगे कि 7 से 8 AM में कितना हुआ, कितने पैसेंजर्स ने बोर्डिंग किया, 8 से 9 में कितने, 9 से 10 में, ठीक है? तो बेसिकली इस, ये ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा कि ये होगा तो 7 से 8, उसके बाद डेटा होगा 8 से 9 का, तो उसमें बीच में जो भी आए सब आ जाएंगे, फिर 9 से 10, तो ये बन जाएगा हिस्टोग्राम, क्योंकि हमने क्लास लिया कि 7 से 8 के बीच में जो होगा वो सेम होगा. हिस्टोग्राम टू शो डेटा, तो यस यहाँ पे हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे.